लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन नया होता है, हर नाइट सवेरा नया होता है। क्या आज बैटिंग कलेक्ट हो गई या क्या बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया या इस स्कोर पर जो लड़ाई की है, मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई बहुत ही लाजवाब थी और तमाम गेंदबाजों की बहुत अच्छी गेंदबाजी। मैं अब रूरल टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा, एक बार वो आ जाए। जिस तरह का आज का मैच हुआ है, काफी दिन भरा पहला मैच था, कईयों के तो हार जो है वो कभी ऊपर भी नीचे के, लेकिन जिस तरह मैच जीते हो, सबसे पहले ये कहना है कि गाची कहते हैं कि स्टार्टर प्लेयर वो बैटिंग ना करे और फिर मैच को जीता है तो वो खुशी दोहरी हो जाती है। एक अच्छा प्लेयर ने रन नहीं बनाया और जिनको अपन ये समझते थे कि ये सारे लोकल प्लेयर है, ये क्या करेंगे, गाजी आउट हो गया तो पूरी टीम आउट हो जाए, उसके बाद एक नया सितारा उभरता है और वो रन बनाता है और वो मैच जिताता है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बताऊँगा आपको प्लेयरिंग पर डिपेंड करते हैं और बात कर रहे हैं आप जो हमारी टीम सुपर प्रदर्शन कर दिया है, साबित भी कर दिया है कि हमारी टीम एक धूप ओवर खेल रही है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, शुक्रिया जो बहुत ही लाइफ तक दे रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों ने भी उनका अच्छा साथ दिया है, तो वास्तव में हमारी टीम अच्छा खेल रही है और हम ज्यादा से ज्यादा वे फाइनल के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ से अभिषेक, अभिषेक भाई एक बार अभिषेक आ जाए। अभिषेक भाई कहते हैं कि आज की जो क्रिकेटर एक अच्छी पारी अगर खेल जाए और एक ऐसा मैच जहाँ पे एक अच्छा प्लेयर आउट हो जाए, उसके बाद तीन या चार विकेट चली जाए और वहां से उस पूरे मैच को जिताना, ये उसके जिंदगी का एक यादगार मैच बनता है, तो क्या आपके जीवन में आपने आज जैसे कभी बैटिंग की थी या ये पहला मैच है जो आपने अकेले अपने बलबूते पर मैच को जिताया है? जितेंद्र सर, एक्चुअली क्या है कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पहले मैं विकेट कीपर बैट्समैन था तो उस टाइम से लेदर से यूनिवर्सिटी खेला हुआ था, 2013 का कैप्टन रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी, उस टाइम जो मेरा छठे से सातवें नंबर पे यही बैटिंग कर सकते हैं और धैर्य वाली बैटिंग जो अपने कहते हैं और सामने वाली टीम थी उसमें स्पिनर थे, लेकिन क्वालिटी स्पिनर एक ही था, बाकी क्या है कि लोग सिर्फ मार सकते थे, लोग सिर्फ का वेट कर रहा था कि कोई भी गेंद मेरे पाले में आएगी मैं आराम से मार दूंगा, लेकिन प्रेशर था रन भी नहीं बन रहे थे, डॉट भी बॉल आ रही थी, लेकिन 10 बॉलों का अंतर था जो किसी भी बड़े ओवर में खत्म हो सकता था, तो मैं आराम से वेट कर रहा था एक अच्छे ओवर का, तो छक्का आया स्लो स्पीड में, फ्री बाउंड्री आ गई तो मैच फिर हमारे 3 गेंद लग गया। जब 18 गेंदें 24 रन वहाँ पर उन्होंने मिडिल स्पिनर का इस्तेमाल किया, वहाँ तक वो स्पिन बॉल पर अटैकिंग किए, लेकिन जैसे उन्होंने मिडिल स्पिनर को लाया तो क्या आपने मन बना लिया था कि इस पे विकेट करना है? मैंने उस टाइम मन बनाया था कि अगर एक गेंद छोटी आ गई तो मैं या तो लेग शॉट मार के पीछे लाइन लेग पे या पूल मार के कैसे भी करके 8 रन और 8 ओवर इसमें बना लेना ताकि 2 ओवर में अपन 14-15 तक चेज कर पाएंगे इजीली तरीके से, ये फिर सेट था थोड़ा दिमाग के अंदर, सामने वाला जो बैट्समैन था वो बेहतर था, जो सिंगल स्ट्राइक दे रहा था, स्ट्राइक को कैच किया आज हम लोग को दिक्कत नहीं। क्या
क्या था क्रिकेट में कोई ऐसा बॉल था जो लेके आया हो या कोई विकेट से आपको कोई परेशानी हुई हो? क्रिकेट में सेकंड इनिंग में बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं आई जो नीचे गई हो। हमारी इनिंग में जरूर थोड़ा सा नीचे रहा था जब हमने बॉल की थी, लेकिन जो हमने बैटिंग की है उस टाइम पर बिल्कुल 20 ओवर तक एक भी गेंद ऐसी कोई भी नीचे रही हो या ऐसी कोई भी गेंद देखने में अच्छा क्रिकेट खेला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे जैसे डिस्कस करूंगा और रॉयल कोच साहब अगर यहाँ पर हो तो क्या बन क्या कोच 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 देखिए ठीक है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। कोच साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन पाते हैं, क्या नाम है? जी भाई, जिस तरह से आपने टीम को तैयार किया है, लेकिन एक लाइव के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जयपुर में हम लोग जितने भी बड़े बड़े कोच हैं या मैं खुद कई बार अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, अगर बल्लेबाज अपनी गलती से आउट होता है और वो रन बनाकर नहीं देता, मैं उसको पनिशमेंट देता हूँ, उसको उसी वक्त उसी टाइम ग्राउंड के 5 चक्कर लगवाता हूँ। उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा विकेट कितना बहुमूल्य है। तो मैं गाजी के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि क्या आप आज का मैच गाजी के आउट होने के बाद जिस तरह जीती है टीम, लेकिन क्या गाजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या गाजी अपने पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा या अपना विकेट थ्रू कर रहा है या उससे कुछ गलतियां हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारे मैच थे, टॉप के थे, यहाँ आइकन हुए, वो ही मैच खत्म कर पा रहे हैं। गाजी ने स्टार्टिंग इन तीन चार में मैच थे, काफी अच्छे खेले, उसके बाद से लगातार पिछले दो मैच है वो मैं गाजी देख रहा हूँ कि स्पिन बॉलिंग है, बार बार वो उन्हीं का शिकार हो रहे हैं, तो गाजी को तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, उसकी बैटिंग में हम मदद करेंगे अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो। बाय द वे गाजी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, चारों तरफ वो शॉट खेलना जानता है, शॉट सिलेक्शन जानता है, कौन सी वीक है उस पर किस तरह का ट्रीटमेंट करना वो अच्छा जानता है, और अगर इम्प्रूवमेंट हो पाएगा उसके बाद भी हम चाहेंगे कि गाजी थोड़ा बेहतर बन सके, और उसके बाद यार बैटिंग टेस्ट की मौका आया था गाजी का, विकेट स्टार्टिंग का काफी जल्दी हमने स्कोर किया था, उसके बाद विशेष विशेष भाई ने भी अच्छी बैटिंग की और वन डाउन पे जाकर जो भी प्लेयर जाता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैच को खत्म करें, और आज वही नजारा हमने अभिषेक की बैटिंग में देखा। यकीनन इसको काफी कम था, लेकिन जो किस किस तरीके का बिहेवियर कर रही थी और किस किस तरीके का स्पिन बदल रही थी उससे हमको लग रहा था मैच बच सकता है, लेकिन अभिषेक ने काफी अच्छा खेला, उसके बाद हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने 5-5 का योगदान कर दिया, उससे डेफिनेटली आज विजय हुए और बहुत अच्छा लगा ये बैटिंग देखते। मैं इसी के साथ अब वापस स्टूडियो चलेंगे और मैं टीमों को बधाइयां दूंगा, दोनों टीमों के लिए मेरी तरफ से अगले मैच के लिए बधाई है कि आप अच्छा खेलें, बढ़िया करें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, सब बाहर।